नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। रिसेंटली एटीएम से रिलेटेड नए रूल्स आ गए हैं, जिसमें एटीएम की जो कैश की रिप्लेनिशमेंट होती है उसके टाइमिंग और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई है। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पैनल कोर्सेज आते हैं सब एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, नबार्ड, दारवी, ग्रेड बी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहें आप कर सकते हैं विद आवर पैनल कोर्सेज, जिन्हें आप खरीद सकते हैं studyiq.com पे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी इससे पहले एटीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे विद रिगार्ड्स टू एटीएम। रिसेंटली अगर हम देखें 2018 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया, इंडिया में सारे जो एटीएम्स हैं इनको लिंक कौन करता है। तो यहाँ पे आपकी ऑप्शंस थी और यहाँ पर जो सही आंसर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, वो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो रुपे कार्ड को भी बनाता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना चाहिए, पहली बात तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और इसको लिंक करती है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब सिमिलरली आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ जिसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिली जाएगा। दुनिया का पहला एटीएम खोला गया था June 27, 1967 में, किस शहर में खोला गया था यह आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है, सब लोग मिलके इसको अटेम्प्ट करना। ऑप्शंस आपके सामने हैं न्यूयॉर्क, कराची, एम्स्टरडैम और लंदन। तो रिसेंटली हुआ क्या है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी करी है। उस नोटिफिकेशन में लिखा है कि February 8, 2019 से जो भी ATM है ऑल ओवर इंडिया, ये 9 बजे से पहले यहाँ पर जो भी कैश रिप्लेनिश करना है इसका प्रोसेस ख़त्म हो जाना चाहिए। कैश रिप्लेनिश करने का क्या मतलब हो गया, देखो आप ATM से पैसे निकालते हो, फिर ATM में पैसे डालने के लिए भी तो कोई आता होगा, ऐसे तो है नहीं कि ATM अपने आप नोट छापता रहता है। आपने काफ़ी बार एक काली रंग की एक वैन देखी होगी, ब्लैक या एक डार्क ब्लू कलर की वैन होती है, वो ज़्यादातर ATM के साथ में रुकती है, वहाँ पर वो कैश को रिप्लेनिश करते हैं, ATM में वो नोट डालते हैं, तभी जाके बाद में लोग अपने कार्ड के जरिए उस नोट को निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिप्लेनिश करने का प्रोसेस है इसकी टाइमिंग सेट कर दी है होम मिनिस्ट्री ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो ATM विल बी रिप्लेनिश्ड विद कैश आफ्टर 9 PM इन सिटीज़। अब यहाँ पे डिफरेंस है, ये याद रख लीजिएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई भी ATM रिप्लेनिश नहीं होगा शहरों में 9 बजे के बाद, रात को 9 बजे के बाद। अगर हम गांव यानी किसी रूरल एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो रूरल एरिया में ये जो टाइम लिमिट है कम कर दी है, ये है 6 PM। तो 6 PM के बाद किसी भी रूरल एरिया में ATM में पैसे नहीं भरे जाएंगे, और शहरों की जहाँ बात आती है वहाँ पे लिमिट है 9 PM। और नोटिफिकेशन में यहाँ पे होम मिनिस्ट्री ने यह भी लिखा है कि जब ये नए नोट डाले जाएंगे तो 2 आर्म्ड गार्ड साथ में होने चाहिए, तो ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसमें एक खास एडिशन यहाँ पे ये है कि जो भी नक्सल हिट एरिया हैं, प्राइमरीली जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर जो भी नक्सल हिट स्टेट्स हैं वहाँ पर ये प्रोसेस 4 बजे मैक्सिमम तक हो जाना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर ATM में जो नोट हैं वो नहीं डाले जाएंगे। और ये सब होगा सिर्फ आर्मर्ड व्हीकल्स में जो काफ़ी हद तक इम्यून होती है फ्रॉम बुलेट्स। अब ये जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनको कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये शुरू होंगे February 8, 2019 से, और यहाँ पर रीज़न इसका बहुत ही सिंपल है, रिसेंटली ATM में पैसे भरते वक्त बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं, काफ़ी सारी चोरी भी रिपोर्ट करी गई है, तो उससे निपटने के लिए होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे नए कानून बनाए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि बैंक से नोट लेकर ATM में जो गाड़ी जाती है वो अपने आप में एक अलग से प्राइवेट कंपनी की होती है। ये जो आपने देखी होगी ना ऐसी गाड़ी, ये बेसिकली ज़्यादातर अलग से कंपनी की होती है। तो जो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि 2 आर्म्ड गार्ड्स विल हैव टू अकंपनी द करेंसी इन ट्रांजिट, एंड एवरी प्राइवेट कैश हैंडलिंग एजेंसी विल हैव टू मेक श्योर दैट द करेंसी कलेक्शन फ्रॉम द बैंक्स इज ऑर्गेनाइज्ड वेल विद इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, एंड दीज शैल बी ओनली ट्रांसपोर्टेड इन आर्मर्ड व्हीकल्स। तो यहाँ पर यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दिया है कि जो भी कलेक्शन होगा वो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में हो जाना चाहिए, बाद में जो ATM में ले जाने का प्रोसेस है वो मैक्सिमम सिटीज़ में जो मैंने आपको बताया था 9 बजे तक, और रूरल एरिया में 6 बजे तक हो जाना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जो कैश को बैंक से लेकर ATM में एजेंसीज लेकर जाती है आर्मर्ड व्हीकल में, उनको ये भी हिदायत दी गई है कि हर राउंड में
यहाँ पर 5 करोड़ रुपए मैक्सिमम इनके पास कैश होना चाहिए, उससे ज़्यादा कैश है यहाँ पर कैरी नहीं करेंगे। उसके अलावा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर यह भी बताया कि ओवरऑल इंडिया में 8,000 प्राइवेटली ओन्ड कैश वैन्स हैं जो फंक्शन कर रही है ऑल अराउंड द कंट्री। ये नॉन बैंक प्राइवेट एजेंसीज की होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी एक कोई एक व्यक्ति है वो अपनी कंपनी शुरू कर सकता है। उसका काम बेसिकली यही है कि आर्मर्ड व्हीकल में बैंक से लेकर एटीएम तक नोट पहुंचाने हैं। अब यहाँ पर नोट किया गया है कि ऑन द डेली बेसिस ऑल ओवर इंडिया देखा जा रहा है कि ये 15,000 करोड़ रुपये ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम बैंक्स टू एटीएम एवरी सिंगल डे ऑन अ डेली बेसिस। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, ये जो यहाँ पे टाइम लिमिट सेट कर दी है कि 9 बजे के बाद यहाँ पे रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे, इससे होगा क्या? देखिए, ये हो सकता है कि रात को कभी कभी एटीएम में आपको नोट ना मिले, इससे ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में। रूरल एरिया में ये प्रॉब्लम ज़रा फेस की जाएगी, क्योंकि सिंस वहाँ पे 6 बजे के टाइम ही रखे गए हैं, तो काफ़ी इनके लिए पेचीदा होगा कि 6 बजे तक यहाँ पर रिप्लेनिश करना है, नहीं तो वहाँ पर एटीएम में पैसे नहीं होंगे। तो इससे थोड़ा बहुत जो आम नागरिक है उनको प्रॉब्लम होगी, बट ओवरऑल सेफ्टी इससे काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पे। दुनिया का जो पहला एटीएम है ये ओपन किया गया था 27 जून 1967 में। कौन सा शहर था? शहर था ये डी, लंदन। रिसेंटली ये न्यूज़ काफ़ी हद तक फैली थी, काफ़ी आर्टिकल्स लिखे गए थे इस पर, क्योंकि 2017 में दुनिया के पहले एटीएम को 50 साल पूरे हो गए थे। एक हिस्टोरिक इवेंट था ये अपने आप में। आज के टाइम में एटीएम दुनिया भर में फैले हुए हैं। इंडिया में पहली बार एटीएम काफ़ी लेट आया था। इंडिया में पहली बार एटीएम आया था 1987 में, और इसको लेके आया था हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC, और सबसे पहला एटीएम इंडिया में लगाया गया था मुंबई में। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इट कैन हेल्प यू इन दी एग्ज़ाम्स। So this is the end of our video. Thanks for listening and God bless you all.